मसीही टीवी की जानिब से आप तमाम तर सुनने वालों की सलामती हो। आए खुदावन के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखें अमाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को, जो मरकज कहलाता है, अपने साथ ले चले। मगर पौलुस ने ये मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमराह ले चले। पस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकज को लेकर जहाज पर कुप्रस को रवाना हुआ। मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावन के फजल के सपुर्द होकर रवाना हुआ और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूर्या और किल्किया से गुजरा। खुदावन के पाकलम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने भी पढ़ा है अमाल की किताब के 15वें बाब में, ये पौलुस रसूल का सेकेंड मिशनरी जर्नी थी जिसमें उन्होंने कलाम के लिए प्रचार किया। पौलुस रसूल के तीन बड़े ऐसे मिशनरी जर्नीज हैं जो बहुत मशहूर है और जो बहुत अहमियत के हामिल है। अगर किसी को मसीहत में खुदावन यीशु मसीह के बाद मकबूलियत हासिल हुई और लोगों ने उन्हें जाना, तो मेरे ख्याल से वो नामवर हस्ती पौलुस रसूल है। और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस रसूल अपने दूसरे मिशनरी दौरे पर बरनबास के हमराह निकलते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मरकज को, जो लूका कहलाता है, उसको अपने साथ ले चले। लेकिन इस बात पर पौलुस रसूल की और बरनबास की बहुत ज्यादा तकरार हुई और बहस हुई और तकरार की नौयत यहाँ तक पहुँच गई कि उन दोनों के दरमियान में जुदाई हो गई। आज मैं बात करने वाली हूँ डिसएग्रीमेंट्स पर। कई दफा जो खुदा के बड़े खादमीन होते हैं, जिनके लोग पैरोकार होते हैं, पौलुस रसूल जो है बाइबल की एक अहम तरीन शख्सियत है, लोग उन्हें मानते थे, लोग उन्हें खुदावन यीशु मसीह के बाद जो है वो जानते थे और उनकी फॉलोइंग में थे। जैसे कि पौलुस रसूल ने खुद भी जो है वो इस बात का दावा किया कि मेरी मानिंद बनो जैसे कि मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। इसका मतलब ये कि पौलुस रसूल का ये रुतबा रहा है कि लोग उनके फॉलोअर्स रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान जो है वो कभी भी पूरे तौर पर कामिल नहीं हो सकता, किसी न किसी तरीके से उसकी जिंदगी में, चाहे वो खुदा के कितने भी करीब क्यों ना हो, खुदा की कितनी भी उसको कुर्बत क्यों ना हासिल हो, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी जरूर वाकया होती है। अगरचे यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल और बरनबास जो है वो दोनों एक अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, हम देखते हैं कि उनके इस डिसएग्रीमेंट का रीजन ये था कि लूका, जो मरकज कहलाता है, वो पहले मिशनरी जर्नी में अपने उस तौर पर जो है वो काम को नहीं कर पाया और बीच खिदमत में पौलुस रसूल को छोड़ आया था। अब सेकंड मिशनरी जर्नी में जब पौलुस रसूल जो है वो उसे अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, बरनबास भी किसी जो है वो कम अहमियत के हामिल नहीं है, क्योंकि बरनबास वो शख्सियत है जिन्होंने मसीहत में उस दौर में पौलुस रसूल को कलीसिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। जब लोग पौलुस रसूल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बरनबास जो है वो उनके मेंटर बनकर आगे आगे रहे और उनको कलीसिया में जो है वो दखल किया। अब इसी बेस पर हम देखते हैं कि अब वो स्टेज आ गया है कि वो बंदा जो पौलुस रसूल का मेंटर है, जो पौलुस रसूल का उस्ताद रहा, जो पौलुस रसूल का अच्छा दोस्त रहा, उसका हम खिदमत साथी रहा, आज इन दोनों के दरमियान में किसी शख्स की, थर्ड पार्टी की वजह से इतनी ज्यादा तकरार हुई है कि उन दोनों की जुदाई वाकिया हो गई है। देखिए, इंसान क्योंकि एहसास रखता है, जज्बात रखता है, वो ऑफेंड हो सकता है, वो नाराज हो सकता है, रिश्तेदारियां
और रिलेशनशिप आपस में कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जिंदगी में एक वक्त आता है कि हमारी किसी न किसी के साथ किसी न किसी बात पर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। डिसएग्रीमेंट्स का मसीही जिंदगी में आना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम आज ये सीखने वाले हैं कि हम डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, या एज अ क्रिश्चियन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमने उस तरीकों को कैसे, कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है। मत्ती की इंजील में एक बड़ा ही खूबसूरत खुदावन यीशु मसीह का पैगाम है जो कि अगर मैं आपके सामने पढूं तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो कहा कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो खिलवत में जा, उससे बातचीत कर, उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो अपने भाई को तूने पा लिया, अगर वो ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा ताकि हर बात दो तीन गवाहों की जबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी सुनने से इनकार करे तो कलीसिया से कह, अगर कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले की तरह यानी महसूल लेने वाले के बराबर जान। अब देखें यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने एक हायरार्की सेट की है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को जो हमारी जिंदगी में किसी के साथ भी मसीही लाइफ में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहस होती है, तकरार होती है, किसी के हम पॉइंट ऑफ व्यू को कबूल नहीं करते तो हमने, या अगर हमारा भाई हमसे नाराज है या हम अपने भाई से नाराज हैं तो किस तरीके से हमने मसाइल का हल निकालना है। डायरेक्टली कट ऑफ नहीं है, सबसे पहला स्टेप बताया है कि खिलवत में जाकर, मतलब ये कि सबसे पहले हमें जरूरत है, हम पहले ही नाराज होके कट ऑफ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले हमने जाकर उससे पर्सनली तौर पर कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि जब जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहाँ पर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, और बाइबल के मुताबिक खुदावन के नजरिए के मुताबिक हमारे रिश्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं। फिर अगर वो शख्स मानने को हमारा भाई यानी कि वो हमारा जो ब्लड रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, वो हमारा कलीसियाई तौर पर रूहानी बहन भाई भी हो सकते हैं, वो मानने को तैयार ना हो तो दूसरा स्टेप ये है कि हमने किसी दो आदमियों को बहसियत गवाह उनके पास लेके जाना है। अगर फिर भी मामलात हमारे हाथ में ना रहे तो हमने कलीसिया के राहबर से, कोई खादिम हो सकता है, कोई पास्टर हो सकता है, उससे राब्ता करके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी इन तीन स्टेप्स के बाद भी जो है वो हमारे रिश्ते बहाल नहीं होते तो फिर हम उन्हें गैर कौम की तरह जान सकते हैं, जिससे मुराद है कि कट ऑफ। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम जो है एट दी एंड हमें इसी पॉइंट पर लेकर आता है कि माफ करो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप माफ करता है। रिश्तों में दूरी, सेपरेशन, जुदाई का रीजन ये है कि हम माफी देने के लिए या माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते। जॉयस मेयर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि माफ करो, खुद को आजाद करो। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि जब तक इंसान किसी को माफ नहीं करता वो एक कैद में रहता है और वो एक बंधन में जकड़ा हुआ होता है। तो मेरे अजीजों, आज मैं खुदा का कलाम जो है वो आपको इस पॉइंट पर लेकर आती हूँ कि बिल्कुल ये बात जो है वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी जिंदगी में रहते हुए, कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ पर खड़खड़ जरूर होती है, मतलब ये कि जब हम इर्द गिर्द रिलेशनशिप से भरे हुए हैं, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, दोस्त, कोलीग्स, बहुत सारे कलीसिया के रिश्ते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से हमारी किसी न किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम हर लिहाज से हमारा माइंड सेट दूसरों के साथ मैच करे या हम हर बात पर किसी के साथ मुत्तफिक हों, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ गैर मुत्तफिक होने के बाद हम उससे जुदाई हासिल कर लें। क्योंकि अगर हम पौलुस रसूल की मिसाल लें तो पौलुस रसूल ने लूका को वक्ती तौर पर सजा देने के लिए उससे कट ऑफ तो किया, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग था। क्योंकि तिमोथियस के दूसरे खत में अगर मैं एक हवाला आपके सामने पढूं तो वहां पर हमें पौलुस रसूल की मिसाल मिलती है कि उन्होंने अपने इस रिश्ते को जो है वो खराब ना रखा, बल्कि हमें यहाँ पर मिलता है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि हम देखते हैं चौथे बाब में और उसकी हम देखते हैं 12वीं आयत में
ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 11वीं आयत में सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकज को साथ लेकर आ जा क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। जिससे मुराद ये है कि पौलुस रसूल ने उस डिसएग्रीमेंट की बिना पर उससे लाइफ टाइम के लिए रिश्ता खराब नहीं किया। फॉर द टाइम बीइंग सिखाने के लिए बहसियत उस्ताद उसने उसको सजा जरूर दी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनका रिश्ता बहाल रहा। मेरे अजीजों, तमाम तर ऐसे लोगों जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, रिश्ते बहुत कीमती हैं, इन्हें संभालना हमारा काम है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करना जो मेरे और खुदा का टूटा हुआ था। ना सिर्फ वो हमारे और खुदा के दरमियान का दरमियानी बना, बल्कि वो आपस में हमारे रिश्तों के दरमियान भी दरमियानी बनता है। इसलिए मुबारकबादियों में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। जब तक हमारी आपस में दूसरों का सुलह नहीं होंगी, क्या हम मीडिएटर दरमियानी बन सकते हैं कि हम किसी दो पार्टीज की सुलह कराएं? इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी लोगों के साथ इत्तेफाक के साथ रहें, खुद भी लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप के साथ जिंदगी गुजारें और दूसरों के लिए भी रिलेशनशिप के लिए नमूने का सबब बने। खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।